कूकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। कढ़ाई बोली रे कूकर, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है? यदि मैं काली हूँ तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है? देवदास, इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में। भूल गई वो जमाना जब तेरे घर की पाइप चढ़ चढ़ के तेरी छत पे मिलने आता था मैं। कई बार तो आधा घंटा पाइप से चढ़ने के बाद पता चलता था पूनम की छत पे आ गया हूँ मैं। जब तुम पाइप चढ़ के आया करते थे वो वक्त दूसरा था, अब मेरी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद क्या पाइप उड़वा दिया तुमने घर के? मेरा मतलब तू किशन नहीं है। मैं किशन नहीं हूँ। तू किशन नहीं है। मैं नहीं हूँ। नहीं है। मैं नहीं बोला ना, किशन नहीं हूँ बोला। मैं कितनी बार चाटा। अगर नहीं है तो मार मेरे गाल पर एक मार। अगर तू किशन नहीं है तो धर दे मेरे मुंह पर एक मार। मार मार मार। मैं जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ ना, दरवाजा खोल के। लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए बाबा। ये सोता रे, सॉरी सॉरी यार, सोता रे। चल विसर लो रे। अरे देवा, ये मंदिर मेरा है क्या? माला ये गर्भवती भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। ये लगता है तो बंटी सोच ले कि एक आम का पेड़ है जिसमें 16 केले लटके हैं। उसमें से अगर तूने 13 जामुन तोड़ लिया तो बता अब उस पेड़ में कितना नींबू रहेगा? अरे सर जी, ये कैसा सवाल है? अबे जनरल नॉलेज का सवाल है बे, इसमें तेरा आईक्यू बढ़ेगा। चल दे जवाब दे। सर जी, अब 9 हाथी रहेंगे उस पेड़ पे। अरे वाह, सही जवाब। तेरा आईक्यू इतना अच्छा कैसे हो गया बे? सर जी, क्योंकि आज सुबह मैंने बकरी के अंडा और चावल खाए थे। साले मजाक करता है मेरे से, बकरी के अंडे। करंट है इसमें, फिर एक मिनट देता हूँ। देखा देखा क्या, मजाक कर रहा हूँ मैं।